हे गाइस, स्वागत है आपका विशित ब्लॉग्स में। गाइस यार, आज रक्षाबंधन है और सभी को मेरी साइड से हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं जो कि अपनी मायके नहीं जा पाई किसी कारण से। ओ यार, उसके फ़ोन को हो गया यार, मेरा फ़ोन भी ना थोड़ा बेचारा डेड लाइन पर चल रहा है आजकल, जिसकी हालत बहुत बुरी है। कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है। और मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं उसे राखी बांधती हूँ और हमेशा वो मुझे राखी बांधती है, और इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। बोलते हैं आज के दिन रोना भी नहीं चाहिए, तो मैं रो भी नहीं रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे दुख है इस बात का। तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल ही नहीं होता। और मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और इस टाइम पूरा रूम भी ऐसा मैसी सा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे काम करने को पड़ा है। मैंने घर का काम स्टार्ट किया था और तो उसकी वजह से मेरे घर में ऑलरेडी इतना, जिसको बोलते हैं ना, खलारा पड़ा हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। तो खलारे की वजह से जो है, मेरे को कहीं ना कहीं काम तो ज़्यादा है ही, और ऊपर से कोई मेड भी नहीं मिल रही जो साथ में थोड़ा हेल्प हो जाए। हेल्पर नहीं है कोई भी इस टाइम। इतनी बुरी हालत है कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। चाय के कप भी यहीं रखे हैं दोस्तों, देखो, मतलब अपनी फैमिली हो आप लोग तो आपसे क्या छुपाना। और कमरा इस टाइम देख लो, पूरी हालत है मेरे रूम की, मैसी पड़ा है बहुत बुरे हाल से। और समझ में नहीं आ रहा कि इस खलारे को कैसे से मिटा जाए, क्योंकि मैं अकेली हूँ और इस टाइम मुझे कहीं जाना भी है। तो देखते हैं, फिर उधर का मैं कैंसिल करके तो अपने हस्बैंड को भेज दूँगी। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो वेट कर रही होती हैं, तो फिर वो अपनी जगह मेरी तरह से वेट कर रही हैं। तो उनका, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी आप रेडी हो जाओ और आप जाओ और मैं घर पे रहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं अपने मम्मी पापा को, सिस्टर को और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आज मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है टाइम, कोई मुझे बताओ यार मैं क्या करूँ। ऊपर से देखना, मुझे पिंपल भी निकल आया, इतना गंदा वाला पिंपल है, इतनी पेन हो रही है इसमें यार, क्या करूँ। स्यापा, मेरी जान को बड़ा ज़्यादा स्यापा हो गया यार, ना कोई मेरे पास आया और ना मेरे को कहीं किसी के पास जाने का मौका मिल रहा आज के दिन। और पिछली बार होली को भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तब भी मैंने कहीं जा पाई थी। और ऊपर से घर पे भी इतना मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे होली सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि मेरी दादी सासू माँ की डेथ हो गई थी इस वजह से। और फिर थोड़ा बहुत भी कोई टिक्का भी नहीं कोई लगाता, और मुझे होली खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं कर पाई अभी। मैंने बड़ा सारा काम करना है यार, बड़ा ज़्यादा जिसे बोलते हैं। मेरी किचन की भी बुरी हालत है इस टाइम, बर्तन पड़े हैं सिंक में एंड ये भी पड़े हैं धोने को। ये देखो, हेल्थ मेरी बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े रुक भी जाते हैं यार। मुझे बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे कोई मेड नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर कोई कुछ मिल जाए तो। ऊपर से बनी है, बनी भी आजकल मुझसे बात ही नहीं करता। देखो बनी है, ये मेरा बनी है, अपने दिल की सारी बातें सिर्फ आप सबसे कर सकती हैं और किसी से होती नहीं यार। मुझे अच्छा लगता है कैमरे के सामने बोलना, कैमरे के सामने सब कुछ, अपने दिल के सारे राज खोल देना। सुंदर लग रही हूँ ना, बस ये बहुत अच्छा, लिपस्टिक की कमी है, वैसे लिपस्टिक लगाई होती है ना बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सुंदर हूँ मैं, लगती है। नेल्स रखे थे, नेल्स भी सारे ख़राब हो गए, बर्तन साफ कर करके मेरे हाथों की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है। और सन टैनिंग देखो गाइस, सन टैनिंग के तो बुरे हाल है, देखो ऐसी सन टैनिंग हुई पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं
ईंट नहीं बनाते जो, वैसी हालत हुई पड़ी। पर यार वो भी मेहनत का काम होता है, पता है मैंने देखा उसमें छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे और बहुत ही मेहनत है। यार कमेंट्स करके बताया करो कि मैं आपके लिए कैसी कैसी वीडियोस, अच्छी अच्छी मतलब कि आपको मेरी लाइफ के बारे में और क्या क्या जानना है क्या क्या नहीं बताया करो, फिर मैं वीडियोस बनाया करूँगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे। और वैसे मैं काफ़ी दिन से कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ, तो इस वजह से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या दिखाऊँ अपने वीडियोस में और क्या ना दिखाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। और कुकिंग भी आजकल बड़े दिनों से मैं इतनी जल्दबाजी में करती हूँ कि मुझसे एक भी वीडियो नहीं बनाया जाता। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी शक्ल ही बता रही है कि मैं परेशान हूँ, फिर भी मैं हैप्पी होने का ड्रामा कर रही हूँ ना, कर रही हूँ ना, मैं स्यापा कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को। डंकर दिमाग हो गया मेरा, डंकर दिमाग हो चुका है बोलते हैं ना, हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है गाइस, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन बता दिया करो कि क्या करना चाहिए यार। ये नोज पिन अच्छा है ना, वैसे अच्छा लगता है मेरे ऊपर, क्यूट है यार। तेरी होके रहा तेरे हीरिये सूट अच्छा है यार मेरा, अच्छा लगता है मेरे पर, क्यूट लगती हूँ। गाइज मेरे को अगला कुछ बताओ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे मतलब क्या शेयर करूँ, क्या आपको बताऊँ। और कहीं घूमने जाऊँगी तो पक्का आपको साथ में लेके चलूँगी, लेकिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर फैला दो और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि अगला क्या आने वाला है क्या नहीं, है ना। आई मीन टू से वीडियो, अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। सो सब्सक्राइब कर लेना यार, फिर से एक ठंडी हवाएं भरते हुए अपना डंगर दिमाग लेते हुए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, उसके बगैर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साथ तो चाहिए आप सबका यार। थ्रेडिंग भी देखो ना कम कराने वाली हुई पड़ी है। चलो गाइस बाय बाय।